हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होंगे, परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो हो गया नाम समर और समर की मम्मी के फ्लैट, और यहाँ पे तो अब एक पार्टी शार्टी तो होनी ही चाहिए। अरे आराम से, मतलब किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि समर समर की मम्मी के नाम में गुनगुन के पापा ने फ्लैट किया है, और ये पार्टी तो उनके बीच में ही होनी चाहिए। गुनगुन तक को नहीं पता है ये फ्लैट समर और समर की मम्मी के नाम में है। तो भाई समर, मन में तो लड्डू फूटते ही होंगे, और ये लड्डू फूटते फूटते ये दिमाग में तुम्हारा आ रहा है कि गुनगुन के पापा ने अचानक से फ्लैट तुम्हारे तुम्हारी मम्मी के नाम क्यों कर दिया है। आप तो गुनगुन को तुम रखने के लिए नहीं भी सोचोगे ना, फिर भी तुमको गुनगुन को अपने पास रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्लैट अभी तुम्हारे पास है। अगर कल को गुनगुन ये बोलती है कि तुम मुझे रखो, मेरे पापा ने फ्लैट तुम लोगों का नाम किया है, मुझे तुमको रखना ही पड़ेगा, तो तुम उसको रखोगे ही रखोगे। और बेचारी राधिका, राधिका को तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो हमेशा की तरह अंधेरे में ही रहती है, तो उसको तो पता है नहीं पीछे क्या गुल खिलाया जा रहा है, क्या माजरा चल रहा है। तो बस यही चलता रहेगा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो समर की मम्मी का हुआ है, क्योंकि समर की मम्मी को तो एक तरफ से देखा जाए, जो पहले गुनगुन से दहेज नहीं मिला था अब मिल गया है एज अ फ्लैट। और यहाँ पे दूसरा, गुनगुन के पापा भी सोच रहे होंगे कि अच्छा है, मेरी बेटी एक तरफ से गई तो क्या हुआ, दूसरी तरफ से सिक्योर हो गई है, मैंने फ्लैट देके समर और समर की मम्मी को खरीद लिया है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इसके ऊपर। तो चलिए, जिसको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।